ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके पास इसमें आता है, यहाँ पे सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपके पास? इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड है विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इन्वोक्ड हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने सिंपल प्रोग्राम्स पढ़े थे उसमें क्या था कि हम मेंबर फंक्शन को अलग से कॉल करते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है? इन्वोक हो जाता है या कॉल हो जाता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट जनरली। ठीक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। The constructor in C++ has the same name as class or structure. Constructor C++ में same ऐसे ही होते हैं जैसे class और structure होता है। There can be two types of constructor in C++. C++ में दो type के constructor होते हैं, एक तो default constructor, दूसरा होता है parameterized constructor. अब आपके पास आता है इसमें default constructor क्या होता है? A constructor which has no argument is known as default constructor. एक ऐसा constructor जिसमें कोई argument नहीं होता, उसको हम default constructor बोलते हैं। It is invoked at the time of creating object. मैंने भी आपको बताया कि जैसे ही हम object create करते हैं, constructor जो है आपका automatically call हो जाता है। अब हम इसका एक simple सा example देखते हैं default constructor का, कि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले कल मैंने आपको याद होगा कि मैंने कल आपको जो है कोड ब्लॉक के बारे में बताया था। ठीक है, जब कोड ब्लॉक में हम आयो स्ट्रीम लिखते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, और वहां पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमें लिखना होता है, लेकिन जो टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने यहाँ पे क्लास ली, क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, क्लास इज ए कीवर्ड, एम्प्लॉई क्लास का नाम है। पब्लिक, पब्लिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होता है? विजिबिलिटी मोड होता है, या इसको हम असेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। अब व्हाट इज एम्प्लॉय? अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि देखिए, हमारी क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉई है। और जो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम एक वर्ड, ये भी हम एम्प्लॉई क्लास के नाम से मिलता जुलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं। एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस हैज द सेम नेम एज क्लास और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्लास और स्ट्रक्चर के नेम से मिलेगा, मैच करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉई है ये क्लास के नाम से मैच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा दी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक। यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया, यहाँ पे हमने क्लास को इसमें बंद कर दिया, यहाँ पे अब हमने मेन फंक्शन को ओपन किया। ठीक है, एम्प्लॉई क्या है? क्लास का नाम है। देखिए, ये क्लास का नाम है। E1 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉई का, ऐसे E2 भी ऑब्जेक्ट हो गया किसका? एम्प्लॉई का। तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी इसकी, यहाँ पे दो बार इसमें आपके पास जो है वो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास? कॉल हो जाएगा। कि जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे ही ये दो ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका अपने आप ही कॉल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम देखिए प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहां से टर्बो सी प्लस प्लस में ओपन करता हूं। यहां पे मैंने इसमें क्या काम किया, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। मैं सबसे पहले जो इसके अंदर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा हूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या जिसको आप नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। एक क्लास ले लिया आपने, एक पब्लिक देखिए आपने यहाँ पे यूज किया। अब जो ये ए है ये क्लास के नाम से मिल रहा है, मैच कर रहा है। सी आउट, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्लास ए हो गई, आपके पास पब्लिक ए क्लास के नाम से मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने क्या काम किया, वॉइड मेन सीएलआर से यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। क्लास का नाम क्या है, ए। इसके मैंने अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अगर देखो मैंने ए वन ही इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। न्यू लाइन के लिए यहाँ पे आप क्या कर लो, हैंडल यूज करो, और अब कुछ नहीं करना मुझे, मैं यहाँ पे बस प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे नाम इसका मैंने दे दिया फाइल वन, कंट्रोल F9 मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं A2 ले लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जितनी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओगे उतनी बार देखो आपके पास आउटपुट आती जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, क्या मतलब हुआ कि अगर हम हमारे मेंबर फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर के नाम से मैच कर रहा है तो उसे हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, आपके पास कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या जिसको आप स्टूडेंट जीरो कंस्ट्रक्टर भी आप कह सकते हो, मतलब जिसमें हम कोई आर्गुमेंट यूज नहीं करते। ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट यूज नहीं किया हुआ, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरा मीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा जरा हम इसके बारे में भी हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम आगे चलेंगे, हमारे पास अब कंसेप्ट आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखिए हम किसे कहते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर विच हैज पैरामीटर इज कॉल्ड, जिसमें हमने पैरामीटर्स को यूज किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे हम और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोड ब्लॉक के अंदर हम ये दो चीजें मेंशन करेंगे। सिंपल, हमने सबसे पहले एक क्लास ली, पब्लिक हमने यहाँ पे यूज किया, आईडी हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, नेम आपने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, सैलरी आपने एक वेरिएबल लिया आपने इसमें फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो ये तीन आपने वेरिएबल ले लिए इसमें। अब ये एम्प्लॉय क्या है, अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय जो है वो क्लास के नाम से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, क्लास के नाम से मिल रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अब इसमें हमने आई ले लिया इंटीजर टाइप का, एन ले लिया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, एस ले लिया फ्लोट टाइप का। आईडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे आई स्टोर कर दिया, नेम के अंदर हमने एन स्टोर कर दिया, सैलरी के अंदर हमने एस स्टोर कर दिया। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। डिस्प्ले क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन है। आईडी को हमने डिस्प्ले करा दिया, नेम को हमने डिस्प्ले करवा दिया, सैलरी को हमने डिस्प्ले करवा दिया, एंडल कर दिया।
ये हमारा सिंपली मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये डिस्प्ले क्लास से नहीं मिल रहा, ये क्लास से तो मैच नहीं कर रहा ना, ये क्लास से मैच कर रहा है। तो अब इसको तो ये क्लास से मैच नहीं कर रहा, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ हमारा, इसको तो मुझे अलग से आगे कॉल करना पड़ रहा है। देखो मैं यहाँ पे लास्ट में कॉल कर रहा हूँ, बट कहीं हम एम्प्लॉय को तो कॉल नहीं कर रहे ना, ठीक है ना। तो जिस कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि हमें कंस्ट्रक्टर को भी अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन हमने यूज किया, एम्प्लॉय क्या हो गया, हमारी क्लास हो गई, ईवन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या काम किया, एम्प्लॉय क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये एम्प्लॉय क्लास नेम है, ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर है, जिसमें मैंने आई की वैल्यू डाल दी 101, ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे ये, और मैंने फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे डाल दी मैंने दिस वन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज ए क्लास नेम, ई टू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एक मैंने वैल्यू और डाल दी अलग अलग। तो देखो हम यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमने ऊपर क्या इसकी जो है हमने डेफिनेशन देखी, यहाँ पे डेफिनेशन देखी कि इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज, हम डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम ये क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट E1 लिया, इसको हमने एक वैल्यू प्रोवाइड की यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट हमने E2 लिया, इसको हमने एक अलग वैल्यू प्रोवाइड की, ठीक है। और डिस्प्ले क्या है आपके पास, डिस्प्ले इज ए मेंबर फंक्शन, डिस्प्ले क्या है आपके, ये मेंबर फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसका एक प्रैक्टिकल भी हम करके देख लेते हैं तो वो कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल डिस्कस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फर्स्टली यू हैव टू राइट हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h, you do not need to write conio.h in code block also, conio.h को आपको code block में लिखने की जरूरत नहीं है। एक हमने यहाँ पे क्लास ली, क्लास में जैसे मैंने a ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक private हमने use किया, मैंने आपको पहले भी, मैं एक बार दोबारा से I am repeating that कि private data members को लिखने के लिए हमें प्राइवेट कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखते तब भी डाटा मेंबर्स आपके प्राइवेट माने जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ले लिया, पब्लिक, ए इज ए क्लास नेम, इंट एक्स, अब यहाँ पे देखो हमने पैरामीटर यूज कर रखे हैं, तो जो एक्स और वाई हैं आर आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको, और हम पैरामीटर्स भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और यहां पे हमने क्या काम किया, ए के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू को स्टोर कर दिया, बी के अंदर मैंने वाई की वैल्यू को स्टोर कर दिया, सी में हमने क्या काम किया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है जी। अब हम क्या काम करेंगे, मेंबर फंक्शन हम बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले सी आउट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, इसको बंद करके यहां पे हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो हमने यहां पे क्लास ए ले ली, यहां पे ये ए जो है वो क्लास के नाम से मैच करता है, तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, डिस्प्ले इज ए मेंबर फंक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, वॉइड मेन सी एल आर एस सी आर यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ए इज ए क्लास नेम, अब इसका हमने ए ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ये अलग अलग है, मैंने आपको बताया था ना सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये ए अलग माना जाएगा, ये ए अलग माना जाएगा। तो स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ, ये मैं एक्स और वाई की वैल्यू में पास कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ली है 5.6, और ए को मैंने क्या करी, डिस्प्ले करा दिया एट सी एच, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे,
इसका नाम मैं देता हूं पैरा वन, कंट्रोल एफ नाइन प्रेस किया मैंने यहाँ पे। तो देखिए आपके पास फाइव और सिक्स का जो है आपके पास सम आ जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर होता है स्टूडेंट, ओके जी। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ऐसे ही मैं कंस्ट्रक्टर के और भी प्रोग्राम्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप जो है इसको और अच्छी तरीके से समझ सको। जैसे मैं पहले आपको एक प्रोग्राम और कवर करवा देता हूं नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का, ताकि और आपका रिवाइज हो जाए। तो एक बार मैं कंस्ट्रक्टर को बता देता हूं कि कंस्ट्रक्टर जो है इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन सेम एज क्लास नेम। ये क्लास के नाम से मिलता हुआ होता है, इसे अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती। आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, एक क्लास ले रही हमने स्टूडेंट नाम से। यहाँ पे हमने प्राइवेट में हमने यूज किया है इंट रोल नंबर, इंट स्टैंडर्ड, ये हमने दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स ले लिए। पब्लिक हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि जो स्टूडेंट है ये क्लास के नाम से मिलता है, तो यहाँ पे हमने देखो थोड़ा सा चेंज किया कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है, ठीक है। डिक्लेयर की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ऐसे void display, एक मैंने member function यहाँ पे और लिया, यहाँ पे मैंने क्लास को बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, व्हाट इज ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या होता है, ये स्टूडेंट इज आपके पास क्लास नेम है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था कि जिन member functions को हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, देखो क्लास तो मैंने यहाँ पे बंद कर दी आपकी ये वाली, जिसको हम बाहर डिफाइन करते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को, स्टूडेंट void। यहाँ पे देखो अगर आप इसे खाली भी छोड़ देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने void लिख दिया, अगर आप खाली भी छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टूडेंट क्लास नेम और ये स्टूडेंट क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या किया, डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, रोल नंबर के अंदर आपने वन को स्टोर कर दिया, स्टैंडर्ड के अंदर आपने यहाँ पे टेन को स्टोर कर दिया, फिर void student, फिर यहाँ पे डिस्प्ले हमने मेंबर फंक्शन यूज किया, cout, रोल नंबर इज रोल नंबर एंड फिर cout, स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड पी एच, यहां पे इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने देखो डिस्प्ले को भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमने मेंबर फंक्शन को यहाँ पे हमने जो है डिक्लेयर किया था। अब इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे मेंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं इनको कॉल करूंगा, तो यहाँ पे हमने clrcr यूज किया, स्टूडेंट जो हमने ऊपर स्टूडेंट लिया है दैट इज द क्लास नेम, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया obj1, और obj1 को मैंने यहां पे डिस्प्ले करा देता हूं। ये मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया, अब मैं इसको सेव करता हूं। तो इसका नाम मैंने यहां पे दे दिया नॉर्मल वन, कंट्रोल एफ नाइन प्रेस किया मैंने यहां पे। तो ये देखो रोल नंबर आ गया आपके पास वन, स्टैंडर्ड आपके पास आ गया टेन। तो ये हमारा जो था ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, कि जिसमें हमने कोई पैरामीटर्स हमने क्या जो है इसमें हमने यूज नहीं किया, ठीक है। इसको हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हमने जो डिस्कस किया। अब ऐसे ही प्रोग्रामिंग में स्कोप रेजोल्यूशन की ऑपरेटर की हेल्प से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो वो हम किस तरीके से करेंगे,
parameterize constructor dash include iostream.h dash include conio.h, एक क्लास ली, क्लास का नाम क्या लिया, स्क्वायर प्राइवेट इंट नम, जो नम हमने एक वेरिएबल लिया प्राइवेट डाटा टाइप का, ये आपके पास वेरिएबल है पब्लिक, और पब्लिक में जो स्क्वायर है ये क्लास के नाम से मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। फिर यहाँ पे आपने क्या ले लिया, इंट कैल स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक सिंपल मेंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ क्लास को बंद कर दिया। अब ये स्क्वायर क्लास के नाम से मिलता है, ठीक है, ये स्क्वायर कंस्ट्रक्टर हो गया। इंट एन ले लिया यहाँ पे, और नम के अंदर आपने एन को स्टोर कर दिया। फिर इंट स्क्वायर यहाँ पे लिया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैल स्क्वायर इज ए मेंबर फंक्शन, आपने यहाँ पे मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया है, कैल स्क्वायर का अपने एक मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया। और अब क्योंकि हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, रिटर्न मैं क्या लिखता हूँ, नम मल्टीप्लाई में, स्क्वायर निकालने के लिए मैं यही करूंगा इसमें। तो मैं मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे लूंगा, void main clrstr used to clear the screen, int is a data type, result हमने एक वेरिएबल ले लिया, और square is a class name, obj1 हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ मैंने इसके अंदर 5 वैल्यू पास करी, जो मैंने यहाँ पे num लिया था इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 को मैंने यहाँ पे पास किया। अब मैं क्या काम करता हूँ, रिजल्ट के अंदर obj1.calsquare को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे वेरिएबल ही लो, आप सिंपली भी आप अगर अभी वेरिएबल ना भी लिखते तो आप इसको ऐसे कॉल कर सकते थे obj1.calsquare, ठीक है, बट हमने एक वेरिएबल लेके हमने स्टोर कर लिया, तो आप कैसे भी कर सकते cout square of 5 is, square of 5 is, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट get square, F2 से सेव कर दो, इसका नाम हमने दे दिया para2, control F9 से कंपाइल किया आपने, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना निकल आया आपके पास, 25। तो ये मैंने आपको जो है पैरास मीटराइज कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको इसके अंदर एक प्रोग्राम और बताया मैंने आपको, ठीक है। तो गगन समझ में आया इतना कंसेप्ट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है समझ में आया आपको। विभांशु थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार यूट्यूब के ऊपर भी दोबारा आप देखिएगा, तो और कंसेप्ट आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट जो एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, C++ का कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए हम किसे कहते हैं, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, इसको हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने क्लास ए ली, ये ए देखो क्लास के नाम से मिल रहा है, तो इसको हम तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, बट अब यहाँ पे देखो ये ए है, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास ये ए क्या है, क्लास हो गई ये, एंड एक यहाँ पे देखो हमने एंड का एक सिंबल डाला हुआ है, एंड का ये जो एंड का सिंबल डाला हुआ है ना, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, ये मैं भी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ये काम कर रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो अब जरा इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने क्लास ए ली, एक्स एक जो हमने ले लिया इसमें, ये इन्होंने पब्लिक ही ले रखा है, मैंने भी आपको प्राइवेट में जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर की हेल्प से बताया था। ए जो है वो क्लास के नाम से मैच कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर हो गया ए, इसमें
हमने एक आर्गुमेंट पास किया तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा आपका, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। एक्स के अंदर मैंने ए स्टोर कर दिया, सो सिंपल। अब यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर हमने और यूज किया, और यहाँ पे देखो ये हम एंड आई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड का साइन है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं इसमें हम। और यहाँ पे देखो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, एक्स, ठीक है। व्हाट इज एक्स, ये वाला वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, आई यूज किया। आई क्या है, तो देखो जो मैंने ये आर्गुमेंट ले रखा है, ये आर्गुमेंट मैंने आई ले रखा है, डॉट, डॉट का साइन डालेंगे हम, ठीक है। और इसके साथ किसको जोड़ेंगे, जो हमने एक्स ऊपर यहाँ पे यूज किया है उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सी प्लस प्लस में हम कैसे यूज करते हैं, एज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप थोड़ा नीचे आइए यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें क्या काम किया, यहाँ पे एक इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लास ली, ए वन के अंदर मैंने यहाँ पे 20 पास किया। एक मैंने क्लास और ली यहाँ पे इसके अंदर ए, इसमें ऑब्जेक्ट बनाया ए टू। अब इसमें मैंने क्या रख दिया, ए वन रख दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, ए टू डॉट एक्स को प्रिंट करवा दिया। ए वन की वैल्यू कितनी है, 20, और ए टू के अंदर मैंने स्टूडेंट ए वन को भी कॉपी कर दिया, तो ए टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो जो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है आपके पास, ये कंसेप्ट होता है आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अब इसको हम बिल्कुल जो हम डिस्कस करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को, एक पहले इस प्रोग्राम को मैं आपको करवाता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकली, ताकि आपके कंसेप्ट वहां पे इजिली क्लियर हो पाएगा। तो ये देखिए कैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे। iostream.h एक क्लास ले ली यहाँ पे, तो प्राइवेट इंट प्राइस पब्लिक फर्नीचर जो है वो क्लास के नाम से मिल रहा है यहाँ पे, तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। प्राइस के अंदर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, प्राइस के अंदर मैंने यहाँ पे एन को स्टोर कर दिया। फिर हमने फर्नीचर दोबारा, हमने अब एक ही कंस्ट्रक्टर को देखो अब दोबारा यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये एक तरीके से ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी हो जाता है। अगर आप एक चीज को एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हो तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो जाता है। फर्नीचर हमने यहाँ पे यूज किया, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एम्परसेंट का साइन, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहां पे हमने क्या काम किया, प्राइस के अंदर अब हमने ओबीजे डॉट प्राइस को हमने ऐसे स्टोर कर दिया जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये यहाँ पे हमने प्राइस एक वेरिएबल लिया हमने, ये इसके अंदर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट प्राइस को हमने स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक void show price, हमने एक member function यहाँ पे लिया, class को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। void is a data type, furniture is a class name, show price हमने एक यहाँ पे जो member function उसको define किया। void cout price of this object is price, इसको बंद कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया, PLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन। फर्नीचर इज ए क्लास नेम, और ओबीजे वन हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, obj1.showPrice को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे में यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो फर्नीचर इज ए क्लास नेम, ओबीजे टू हमने यहाँ पे लिया, और इसमें मैंने ओबीजे वन को स्टोर कर दिया। देखो ओबीजे वन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओबीजे टू में आपने ओबीजे वन को स्टोर कर दिया, यहाँ पे ये यह आ जाएगा। और ओबीजे टू डॉट शो प्राइस,
इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया गेट सीओ, इसको सेव कर दो, इसको कॉपी टू के नाम से सेव कर दो। यहाँ पे एक काम आप यहाँ पे यूज करो कि हैंडल यूज कर लो, कंट्रोल एफ नाइन हम प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कॉपी होगी। हाउ, कैसे? यहाँ पे ये देखिए, हमने जो यहाँ पे लास्ट वन है ऑब्जेक्ट वन, हमने फाइव लिया, शो प्राइस इसको हमने डिस्प्ले कराया। फिर ऑब्जेक्ट टू में हमने क्या किया, ओबीजे वन को स्टोर करा दिया, इसको भी हमने शो प्राइस कर दिया। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट यही है जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्नीचर, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एम्परसेंड का यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, और हम इसको क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हमें ये कंसेप्ट फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है जो हमने यहाँ पे किया, इसको हम बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। गगन क्लियर है ये कंसेप्ट आपको? तो स्टूडेंट आज के लिए हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे, कल फिर मैं फर्दर आपको जो बाकी के इसमें टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें। तो आप भी इसमें इतना ही देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।